देखिए कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जो केरला में सक्सेस वायनाड में जो सक्सेस हुई है वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो वो बॉटम अप हो और प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं जो हैं उनको एम्पावर करें प्राइम प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को इम्पावर करने का है फोर्सेस को इंपावर करने का है स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है जहां तक एमपी लाइट की बात है ठीक है वो मतलब मेजर uh, बात नहीं है इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए uh, टेस्टिंग पे मैंने कहा देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया वो नहीं किया वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया, किया जो नहीं किया नहीं किया अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े और इससे इससे देश को भी फायदा होगा मेरा मेन सुझाव मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई नहीं लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है बात पोस्टपोन हुई है तो रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए रिसोर्सेज को स्टेट के हाथ में दीजिए जीएसटी जो स्टेट्स uh, को देना है वो दीजिए चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए उनको जो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए तो so ये 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 डायरेक्शन की जरूरत है सो वी हैव दिस ह्यूज माइग्रेशन प्रॉब्लम एंड वी आर आल्सो क्वाइट अ डिसेंट्रलाइज कंट्री I, I've been a member of parliament in Uttar Pradesh and in Kerala, I can tell you that the response in Kerala is completely different than the response in Uttar Pradesh. The results are different, the way of working is different, the style is different. So you need to, you need to give much more power to the chief ministers. Uh, there should, in my view, There should, the, 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 the center needs to control the main arteries, the main national system, but the state needs to control its area. So if 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 Chhattisgarh, in my view, wants a more nuanced no lockdown, and if a, a Uttar Pradesh wants a total lockdown, that choice, in my view, should have been given to the chief ministers. But it's fine. It's not been given. We're past that now. It's no point. It's no point going over it again. Now we've gone into a full lockdown. We are now opening up partially on the 20th. I'm advocating a strategic opening because I fear that if you open and you do not have testing, you will be forced to go into a lockdown again because you, you will see the disease profile will pick up. So that is why I'm advocating for a strategic lockdown where the state governments are ag aggressively testing and checking what is going on dynamically. Thank <laughs>